लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। Grand down, grand down, grand down, grand down.
अरे यार व्हाट्स योर प्रॉब्लम यार, क्या क्या कर रही हो तुम? अच्छा खासा शॉर्टकट करवा दिया सर, उसने मेरे कपड़े फाड़े। अरे और क्या करता, ये रेप सीन है, कमर्शियल फिल्म का रेप सीन, ऑडियंस कुछ देखना चाहती है। सर इसका मतलब ये थोड़ी है कि सर मुझे सिर्फ इतना बताया गया था कि मेरे कपड़े नहीं फाड़े जाएंगे। किसने किसने बताया, हु टोल्ड यू दैट? सर आपके असिस्टेंट ने। उसने क्या कहा, तुम्हारी आरती उतारेंगे? देखो मैंने तुम्हारी सेक्रेटरी वोरा से क्लियरली बताया था कि फिल्म में रेप सीन है। तुम लिसन टू वन थिंग, यू आर नॉट अ हीरोइन, तुम स्ट्रगलर हो, समझी ना, जस्ट अ स्ट्रगलर। स्ट्रगलर हुए तो क्या हुआ, हमारी भी कोई इज्जत है, आप जैसे चाहे हम एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। देखो आई डोंट वांट एनी आर्ग्यूमेंट्स, तुम ये सीन कर रही हो या नहीं? नहीं। क्या कहा तुमने? नहीं। देखो तुम एक बात नोट कर लो, तुम्हें फिल्मों में काम करने के लिए कोई नहीं बुलाएगा, घर में बैठी रहोगी तुम। मैं घर में बैठी रहूंगी? अरे मेरी पूरी शिफ्ट बर्बाद कर दी इसने, पैकअप करो पैकअप, उस वोरा को बुलाओ। 25 साल हो गए मुझे इंडस्ट्री में, लेकिन आज तक मैं कभी इतनी गालियां खाया नहीं हूँ। कहा हो तुमने, कहा हो? अरे मेरे सर पे इतने बाल नहीं है जितने आज मैं जूते खा चुका हूँ। क्या हुआ वोरा साहब? अरे व्हाट डू यू मीन वोरा साहब, मुझे रोरा साहब कहो, रोरा साहब। ऑल द बेस्ट। देखो नेहा बहुत हो गया, हाँ वो मेरा रेगुलर प्रोड्यूसर है, मेरे दूसरे आर्टिस्टों को भी काम देता है, तुम तो मेरे लिए इंडस्ट्री के सारे दरवाजे बंद करवाओगी। नाउ यू डू वन थिंग, ऑल द बेस्ट, तुम एक अपने लिए दूसरा सेक्रेटरी ढूंढ ही लो। हा? मैं एक महीने के लिए शाहरुख के साथ वैसे भी आउटडोर जा रहा हूँ, ऑल द बेस्ट। बुरा साहब आप ही मुझे ही दोषी ठहरा रहे हैं, क्या अपनी इज्जत करना इतना बड़ा जुर्म हो गया? देखो नेहा मैं तुमको एक सलाह देता हूँ, तुम शादी करके अपना घर बसा लो, ये फिल्म इंडस्ट्री तुम्हारे बस की बात ही नहीं है, ऑल द बेस्ट। बुरा साहब मैं मर जाऊंगी लेकिन जब तक मैं कुछ बन नहीं जाती मैं इस इंडस्ट्री को छोड़कर नहीं जाऊंगी। हाँ अरे कैसे बनोगी इस तरह, तुम कैसे बनोगी? इज्जत से बनूंगी वोरा साहब। अरे जब तक पैसे ना हो इज्जत किस चीज की होगी तुम्हारी, इस शहर में कदम कदम पर पैसा चाहिए। वोरा तुम ठीक बोला, नेहा हमारा पैसा लाया? नहीं आंटी जी आज भी नहीं हो पाया। अरे 3 महीना हो गया, हमारा खाना पीना पेइंग गेस्ट के पैसा पर चलता है, हमारे पास दूसरा भाड़ू थे, एडवांस भी देने को तैयार है। आंटी बस 2-3 दिन और। हाँ नथिंग डूइंग, तुम हमको कल पैसा नहीं दिया तो हम तुम्हारा सामान बाहर निकाल के रख देगा, दिस इज माय लास्ट वार्निंग, ऑल द बेस्ट। देखा पैसों के बगैर इस शहर में कोई किसी को एक दिन भी मेहमान नहीं रखता है। मुझे क्या पता था वोरा साहब मेरे सपने इतने महंगे पड़ेंगे, मैं तो दिल्ली से आई थी अपने टैलेंट के बल पर, बस थोड़ा सा नाम और इज्जत कमाने के लिए। जब मैं खुद से समझौता नहीं कर सकती तो मैं दुनिया से कैसे करूं? ओके ओके ठीक है, रो मत, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ। एक काम करते हैं। क्या काम करते हैं? हाँ मेरा एक दोस्त है, स्ट्रगलिंग के दिनों का दोस्त है, आजकल बहुत ही मशहूर फैशन फोटोग्राफर बन गया है, कैलेंडर की मॉडलिंग का काम तुमको दे सकता है, उसका कार्ड मेरे पास है। हाँ ये है कार्ड, मैं उसको फोन करता हूँ, तुम उसको कॉन्टेक्ट कर लो, कम से कम तुम्हारी ये रेंट की समस्या तो दूर हो जाएगी। थैंक यू वोरा साहब। All the best. Baby, way to go, baby. Lovely. Yes, yes. Smile, smile. Yeah, that's what I want. Yeah, lovely, lovely. Good, great. Yeah, go on, smile. लड़की का साइज ठीक होना चाहिए, हाइट अच्छी होनी चाहिए, मॉडलिंग के अंदर वो मारना नहीं, मैं माँ के कोख से ही ऐसा हूँ। मिस्टर पृथ्वी? Yes. वो मिस्टर वोरा ने मुझे भेजा है। मॉडलिंग? गुड गुड, आप बैठिए। दबो। यस बॉस। दबो बैकड्रॉप को चेंज कर दो और दूसरी मॉडल को बुला ला। ओके। वेरी गुड, वन मोर लेडी, वेरी गुड, थैंक यू। वाह। हाय बेबी। नेहा। हाय। नेहा माथुर। वो मुझे वोरा साहब ने भेजा है। अच्छा, उनका फोन आया था। दबो। यस बॉस। इनका मेकअप करवा दो और कपड़े बदल दो, ओके? इनका मेकअप तो मैं कर दूंगा, इनके कपड़े भी मुझे बदलने हैं क्या? श्वेता मैडम। हाँ? आइए। चलिए प्लीज। थैंक यू। प्लीज अंदर। कम क्विक, ओके? Lovely, 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 lovely. Okay, good. Way to go. Beautiful, lady. Beautiful. Yeah, yeah. Bend down a little bit.
वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी 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 गुड। लास्ट डबो, वो लड़की तैयार हुई कि नहीं? मैं बाथरूम में हूँ। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। डबो, अरे तुमने कपड़े नहीं बदले? अच्छा अच्छा, आप इनकी बात कर रहे हैं? ये कपड़े हैं, इन्हें आप कपड़े कहते हैं? किस एंगल से आपको ये चुंदिया कपड़े नजर आते? लिसन लेडी, आई एम अ फैशन फोटोग्राफर। मैं बियर की एड बना रहा हूँ, कोई साड़ी वाड़ी की एड नहीं बना रहा हूँ। आई नीड ग्लैमर लाइक दिस, समझी? ये बिकिनी मेरी क्लाइंट की डिमांड है। अगर आपको मॉडलिंग करनी है तो कीजिए, वरना मुझे ऐसी मॉडलिंग नहीं करनी। तुम्हारी मर्जी, ना ही मैंने तुम्हें इनविटेशन भेजा था और ना ही मुझे अपना टाइम बर्बाद करने का शौक है, समझी? और मुझे भी अपनी जिस्म की नुमाइश करने का कोई शौक नहीं है, मिस्टर पैशन फोटोग्राफर। ये लो। बॉस, ये तो आपके कपड़े फाड़ गई। अच्छा? हाँ। ए, तुम ये मॉडलिंग वॉडलिंग का चक्कर छोड़ दो और किसी धार्मिक फिल्म में काम कर लो। हरिचंद्र तारामती। ये क्या है मास्टर जी, चार बार रीटेक हो चुका है। आप पहले इनकी रिहर्सल लीजिए, बाद में मुझे शॉट के लिए बुलाइए। मैडम को कुर्सी दो। हाय बेबी। हाय, कैसी हो तुम? मारना नहीं, मारना नहीं, माँ के कोख से ही ऐसा। इट्स ओके, इट्स ओके। और शूटिंग कैसे चल रही है? अरे ओ लम्बी, तू इधर आ, इधर आ। हाँ, तू ही, तू ही, जल्दी आ। तुमको कितनी बार समझाया है खाली नाचने का, गाना नहीं गाने का, तुम हीरोइन नहीं हो। सॉरी मास्टर जी। तुमको कौन बुलाया है? चड्डा साहब ने बुलाया मुझे। सप्लायर चड्डा? ये वही लड़की है बॉस जिसने आपके उस दिन कपड़े फाड़ दिए थे। तुम इसको ग्रुप में क्यों लाए? बड़ी लड़की अच्छी है, थोड़ी प्रॉब्लम में है मास्टर जी, थोड़ा इसको पीछे खड़ा कर दो, कुछ पैसे मिल जाएंगे। चड्डा, ये धर्मशाला नहीं है, धार्मिक फिल्म की शूटिंग है। लेकिन मेरा प्रोड्यूसर हरिश्चंद्र नहीं है। ठीक है, जब लाए हो तो आज का पेमेंट करा दो। बेबी, नहीं नहीं चड्डा साहब, रहने दीजिए, जब मैंने काम ही नहीं किया तो पेमेंट किस बात की। आई एम सॉरी मास्टर जी। लेकिन गाना कभी नहीं गाना। खुल आंटी, ये ताला नहीं खुल रहा। ये चाबी से ताला नहीं खुलेगा, हम ताला बदल दिया है। हाँ, तुम पैसा लाया? आंटी वो क्या है, मैं आज शूटिंग में गई थी लेकिन उन्होंने मुझे निकाल दिया। मैं हम भी तुम्हारा सामान बाहर निकाल दिया। हाँ, हम तुमको एक दिन का टाइम दिया था ना, बस खलास। लेकिन आंटी जी, इतनी रात को मैं कहाँ जाऊंगी? हमको नहीं मालूम, हम दूसरा से एडवांस लिया है। फिनिश, गुड नाइट। Yeah!
है साहब? ये लड़की तो नहीं लगती है। हो साहब, एरिया में कभी देखा नहीं इसको। ए लड़की, इधर आ, इधर आ। ए चुप रहे। क्या नाम है तेरा? नेहा। नेहा माथुर। कब से इस धंधे में? So what do you mean? I'm not like one of these girls. अंग्रेजी बोलती है। हाई क्लास धंधा और सामान साथ में, ताकि पुलिस को शक न हो। हैं? So please, मुझे इतना भी बेइज्जत मत कीजिए आप। ए बकवास बंद कर। सर मेरी बात तो सुनिए। ठीक है अपना पता बता। यही तो बदकिस्मती है, मेरे पास किराए देने के लिए पैसे नहीं थे, तो उस मकान मालकिन ने मुझे आधी रात को ही घर से निकाल दिया, और उसकी वजह से मैं आज यहाँ खड़ी हूँ, और मेरी गिनती इन लोगों के साथ हो रही है। कोई पहचान वाला है जो तुम्हारी गारंटी दे सके? सर है, बोरा साहब है, मेरे सेक्रेटरी। ओह माय गॉड, लेकिन वो भी शहर से बाहर चले गए। नेचुरली सारे जानने वाले इस समय शहर छोड़ के चले गए होंगे, है ना? देख लड़की, ये नाटक यहाँ डेली होता है, तू चुपचाप उधर जाके बैठ, चल कैमरा देखेंगे। सर एक एक और है। एक और है, है, है। सर एक मिनट। हाँ सर, पृथ्वी बहुत बहुत बड़े फोटोग्राफर है, मैं उनके पास काम मांगने के लिए गई थी, वो शायद मेरी गारंटी देंगे। शायद? सर वो देंगे मेरी गारंटी। मैं फोन कर सकती हूँ? ला कार्ड मुझे दे, मैं फोन करता हूँ, तू उधर जाके बैठ, चल। बॉस बॉस, क्या है? फोन। किसका? पुलिस स्टेशन से। पुलिस स्टेशन? हेलो सर, पृथ्वी स्पीकिंग सर। लड़की का लफड़ा है, नेहा नाम की लड़की। लड़की नेहा? तुमको फौरन पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। सर फिलहाल तो सो रहा हूँ सर, कल सुबह आ जाऊंगा सर। तुम अब भी आता या हवलदार को भेजवा? अरे नहीं नहीं सर, मैं अभी आया सर। नमस्ते सर, मेरा नाम पृथ्वी है, आपने मुझे बुलाया। तुम उस लड़की को जानते हो? कर रही हो? वो मेरे पास पैसे नहीं थे किराया देने के लिए, तो उस मकान मालिक ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं बस स्टॉप पे खड़ी थी और बारिश हो रही थी ना, तो ये लोग समझते हैं कि मैं भी ये इन धंधे वाली लड़कियों के साथ पकड़ी गई। तुम जानते हो इसको? चलो मेरे साथ चलो। ये शरीफ लड़की आपको धंधे वाली लगती है? ये बस स्टॉप पे इनके साथ पकड़ी गई है। बस स्टॉप पे खड़े रहना जुर्म है? ए मिस्टर, हमें कानून मत सिखाओ। तो क्या आप हमें कानून सिखाएंगे? क्या कानून ये है कि आप किसी की इज्जत को सरेआम नीलाम कर सकते हैं? चिल्लाओ मत। आप मत चिल्लाइए, मैं भी इस शहर का एक मशहूर फोटोग्राफर हूँ, पेपर में मेरा एक स्टेटमेंट आपको कानून सिखा देगा। ठीक है, इन पे शक था इसलिए हम इन्हें यहाँ ले आए, अब आप इनको जानते हैं तो ले जाइए इन्हें यहाँ से। सावन जी साहब, मैडम को जाने दो। अच्छा साहब, चलो नेहा कम। I'm sorry, मैंने आपको अगर आप ना आते तो काम छोटा सा था, एहसान बढ़ा जाता रही हो। चलो कहाँ? पुलिस स्टेशन और बस स्टॉप से दूर मेरे घर। नहीं नहीं, मैं पर बोझ थोड़ी बन सकती। कंधे पे उठाकर नहीं ले जा रहा हूँ, बाकायदा गाड़ी में जाएंगे। आज रात मेरे घर रहना, कल सुबह सोच लो क्या करना। ओके कम, चलो कम आ जाओ। चलिए मेरा मतलब है, रुके रुके एक मिनट, एक मिनट ओके, एक मिनट ओके। तीन चार को गुड फोटो। चोर 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 चोर, मालिक को चोर बोलता है? हाँ चल बाहर जा, बाहर कहाँ? बाहर जा एकदम, चल बाहर गोडाउन में जा। मच्छर है बाहर, इधर इधर चल। यस लाइए, मैं रख देता हूँ। थैंक यू। भूख लगी है? खाना खाया? उपवास है ना? नहीं नहीं ना, वेजिटेरियन हो? क्यों? बैचलर हूँ ना, ऑमलेट बनाना आता। चलेगा चलेगा, फंस गया। नहीं नहीं मजाक कर रहा था।
तुम्हारे कपड़े भी गीले हैं, बैग भी गीला है, वो रहा मेरा कबर्ड, कुछ कपड़े पहन लो वरना बीमार हो जाओगी, तब तक मैं चलेगा बना कर आता हूँ, ओके बाय। कैसे दिन आ गए, नौकर सो रहा है, मालिक ऑमलेट बना रहा है, ये बैचलर की जिंदगी भी कोई जिंदगी है, लेकिन एक बात है, बीवी की किटकिट तो नहीं है, लेकिन यार ये खाना वाना बनाने का चक्कर बहुत खतरनाक है यार। रूम सर्विस। Bye.
बनाया होगा। पृथ्वी, पृथ्वी उठिए। अरे नेहा तुम? हाँ चाय। तुम क्यों ले आई? दबू ले आता? क्यों, मैं नहीं बना सकती। जल्दी पी लीजिए वरना ठंडी हो जाएगी। थैंक्स। यू वेलकम। मैं भी आती हूँ। इस लड़की की वजह से मेरा तो पूरी रात गोडाउन में मच्छरों ने मेरी और एक मच्छर। तेरी आंख खुल गई? मेरी एक आंख तो बचपन में खुल गई थी, लेकिन बॉस मुझे लगता है आपकी दोनों आंखें अभी भी बंद हैं। क्या मतलब? अरे जिस लड़की ने आधी रात को आपको पुलिस स्टेशन में खिंचवा लिया, उसी लड़की को आप घर में ले आए। तो फिर क्या आधी रात को छोड़ आता? बेचारी के सर पर अच्छा था और ना हाथ में काम। यानी कि आपकी नजरों में ये लड़की पूरी तरह बेचारी है और दिल में? शट अप, वो सचमुच प्रॉब्लम है यार। प्रॉब्लम में तो मैं हूँ बॉस। आपका क्या प्रॉब्लम है बॉस? मुझे 500 रुपए चाहिए। क्यों? रात को मेरे सारे कपड़े चोरी हो गए। तो फिर ये क्या है? ये तो बाजू वाली आंटी का ब्लाउज है। शट अप, तू तो सारी पगार ले चुका है यार। अरे पगार कौन मांग रहा है बॉस, मैं तो आपसे एडवांस मांग रहा हूँ। एडवांस? हाँ। अरे यार डब्बू, मैंने आज से ही एडवांस देने का सिस्टम बंद कर दिया। आज से ही? हाँ। अरे यार, नेहा कहाँ जा रही हो तुम? पहले तो रहने के लिए कोई जगह ढूंढूंगी, फिर कोई काम। पैसों के बिना जगह मिल जाएगी? ये लो रख लो। ये क्या? लो, इसे एहसान या मदद मत समझना, एडवांस के तौर पर दे रहा हूँ। एडवांस? किस लिए एडवांस? मैं एक साबुन की एड बना रहा हूँ, उसके लिए मुझे खूबसूरत मॉडल की जरूरत है। समझ लो वो मॉडल तुम हो, और ये एडवांस दे रहा हूँ तुम्हारी डेटा बुक करने के लिए। लेकिन साबुन? नहीं 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 नहीं, नहीं नहाने का साबुन नहीं है, कपड़े धोने का साबुन है। ओह। तुम अंदर चली जाओ और मैसूर जाने की तैयारी करो। थैंक यू। यू वेलकम। वो 20 मिनट ही हुए आपसे मिली है, उसको एडवांस दे दिया, और मैं 20 साल से आपका असिस्टेंट हूं, आपकी सेवा कर रहा हूं, मैंने एडवांस मांगा मुझे नहीं दिया। ये ले 500 ही चाहिए। वेरी गुड बॉय, वेरी गुड। थोड़ा नेहा के करीब जाओ, उसकी कमर में हाथ रखो। अबे दूर हट, नेहा का लाइट कवर कर रहा तू। बस वो उसकी कमर में हाथ डाल रहा है, गुदगुदी आपको क्यों हो रही है? कहीं आपको प्रेम रोग तो नहीं हो गया? प्रेम रोग? हाँ प्रेम रोग। अच्छा जो मैं आपसे पूछूंगा उसका सच सच जवाब देना। उस लड़की को हमेशा देखने को दिल करता है ना? हाँ। और जब वो आपको देखती है आप चोरों की तरह नजरें चुरा लेते हैं ना? हाँ। और जब वो लड़का उसे पकड़ रहा था आपके अंदर कहीं कुछ जल रहा था ना? हाँ यार। यही था। अबे चुप चुप चुप, चल रहा था क्यों यार? यही तो प्यार की शुरुआत है। हाँ यार डबू। मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि मामला उधर भी गड़बड़ है। किधर? उधर देखो, उधर आपके बैग से फोटोग्राफ्स निकाल कर ले जा रही है। ये तो वही फोटोग्राफ्स है जो मैंने चोरी से खींचे थे। तूने बैग क्यों नहीं बंद की? मैं भूल गया था। कैसे भूल सकता है तू? बस मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि मेरी ये भूल आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। बॉस मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि आप उसे डिनर पर बुलाइए। अच्छा हिम्मत से काम लीजिए, फोटो लेने के बहाने उसके रूम में जाइए। यार अच्छा नहीं लगता डब्बू। डरिए मत, जैसा मैं कहता हूँ आप वैसा ही कीजिए, उसके रूम में जाइए, नॉक कीजिए, टक टक टक। Come in, come in. Prithvi. Hi. May I come in? आइए ना. Yes. Hello. Good evening. मैंने आपको disturb तो नहीं किया? अगर मैं कहूँ कि आपने किया है तो? जी, जी, वो क्या है? बिना इजाजत के किसी के बैग से फोटो चुराना अच्छी बात नहीं है. और बिना इजाजत किसी सोई हुई लड़की के फोटोग्राफ्स खींचना बहुत अच्छी बात है ना? वो क्या है? आप सो रही थी तब आप बहुत खूबसूरत, मेरा मतलब है लाइट बहुत खूबसूरत थी। हाँ। इसलिए कैमरा अपने आप चलने लग गया, क्लिक 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 क्लिक। अच्छा क्लिक, 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 क्लिक। कोई लेटेस्ट कैमरा होगा है ना?
हाँ नहीं नहीं नहीं, नहीं। आपने खाना खाया जी? खा लिया। मैंने भी खा लिया। अच्छा किया, तब काने में तेरी दूसरी आंख भी फोड़ दूंगा। जी कुछ कहा आपने? नहीं 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 आपको नहीं, तो चलो। वो आपकी फोटोग्राफ्स? नहीं 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 आप ही के फोटोग्राफ्स है, आप रख लीजिए, मैं क्या करूंगा, चलता हूँ। आपने सचमुच खाना खा लिया? जी। गुड नाइट। गुड नाइट। ना ही उसने ऑलराइट बोला और ना ही सॉरी, डिनर की तो बात ही नहीं की, वो तो खाना खा चुकी है। क्या बात कर रहे हो बॉस, मैंने रूम सर्विस से पता किया कि उसने अभी तक खाना खाया ही नहीं। क्या? हाँ। लेकिन जब उसने खाना खाया ही नहीं तो खाने के लिए मना क्यों कर दिया? यार डब्बू, कहीं मैं गलत जगह प्यार तो नहीं कर बैठा हूँ? नहीं बॉस, जगह बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्यों क्यों? मेरा एक्सपीरियंस कहता है खाने के लिए उसने मना तो कर दिया लेकिन, लेकिन? भूख के मारे वो भी करवटें बदल रही होगी। ओहो, क्यों खाने से मना कर दिया मैंने? मरो भूखी, अब तक तो किचन भी बंद हो गया होगा। बॉस, अब तक तो किचन भी बंद हो गया होगा, कब तक क्यों बैठे रहोगे? मुझे तो नींद आ रही है, आपको भूख लगे ना तो ये सेब खा के सो जाना। गुड नाइट, सॉरी बैड नाइट। इससे क्या होगा? पेट अंदर कर, पेट अंदर कर, अच्छी फोटो खींचूंगा, अच्छी फोटो। सेक्स थी। चौ, 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 चौ। अरे आज का दिन बहुत अरे तुम लोग यहाँ पर ऐसे क्यों बैठे हो? शूटिंग नहीं है क्या? शूटिंग कैंसिल हो गई। नेहा बिल्कुल बोर हो गई यार। यार क्रिकेट तो खेलते हैं। तो चलो ना खेलते हैं। तुम मना उसे। अरे पृथ्वी नहीं मान रहा है ना? क्यों नहीं मान रहा पृथ्वी? अरे तुम्हारे कहने से मान जाएगा। यार मना उसे। मना यार, मना प्लीज, प्लीज यार मना। क्या कर रहा है तू? टमाटर खाया था ये निकला। गुड मॉर्निंग डब्बू। हाय, गुड मॉर्निंग। बस हमला हमला। शट अप, कुर्सी है निकाल। सर अगर शूटिंग नहीं है तो क्यों ना कोई गेम वेम खेले? Why not? कबड्डी खेलते हैं, कबड्डी। Shut up. नेहा तुम्हें कौन सा गेम पसंद है? मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है। Of course, what a lovely game. बस आप तो कह रहे थे क्रिकेट बहुत बोरिंग। Shut up, Dabu. ठीक अगर क्रिकेट खेल रहे हैं तो मैं ओपनिंग बैटिंग करूंगा। नहीं 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 तू टेंकर नहीं बन सकता, पायर बन। ओके चलो टीम बनाते हैं। टॉस करते हैं। नहीं कॉइन की जरूरत नहीं। ओके इन मीन साढ़े तीन। इन मीन साढ़े तीन मेरी साइड। अरे बॉल निकाल दो ना बॉस। चलो वो मैदान में आ जा, बजाने में बजा। लाटा लाटा वाइड बॉल लाटा। अबे स्टंप गिर चुके। ए ये क्या चीटिंग हो रही है? अबे नॉट आउट चीटर। अंपायर ये तुम थोड़ी हो, नॉट आउट बोल दिया तो नॉट आउट। ये हां अरे यार ये तो चीटिंग है। ठीक है मैं थर्ड इन बैट से पूछता हूं देख ले। आउट है, आउट है। चल 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 ओके नेहा तू बैट। Come on, sweetie pie. I want you to die in my cricket. Or take my wicket. Yeah! My cricket. Boss, ये अचानक स्पीड कैसे कम हो गई? श्री नाथ से कुमले कैसे बन गए? वो पाँव फिसल गया डब्बू इसलिए। पाँव फिसल गया या दिल फिसल गया? Chup. Give me the bail or go to jail. ये है खेल. This is cricket. अरे कैच किया ना, नो बॉल हुआ ना। पृथ्वी ये क्या है? डब्बू थर्ड अंपायर। नॉट आउट, नॉट आउट। सरासर चीटिंग है ये। भाई और भाभियों अब इस इनिंग का ये लास्ट बॉल है, लास्ट बॉल टू गो। चलो बजा दे बजा। अब चाली की टीम शुरू होने वाली है। नेहा ओवर की पहली गेंद
फेंकेंगे। जानबूझकर आउट हो गए? आउट तो हम बहुत पहले से हो चुके हैं डब्बू, लेकिन आज के लिए निमी, आई वॉन्ट दिस गर्ल एट एनी कॉस्ट। मुझे ये लड़की किसी भी कीमत पे चाहिए। डब्बू, तू रो क्यों रहा है? पृथ्वी, क्या हुआ पृथ्वी को? कितने अच्छे आदमी थे बेचारे, चले गए। क्या? हाँ चले गए पहाड़ी के पीछे। मजाक बंद करो। अरे कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे थे, कह रहे थे मुझे इस दुनिया में नहीं जीना है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ऐसे उल्टे सीधे गीत गा रहा था मेरा बॉस। मेरे बॉस को बचा लो, मेरे बॉस को बचा लो, मेरे बॉस को। अच्छा अच्छा सुनो, चलते हैं, चलो चलो। नहीं नहीं, तुम अकेले जाओ, उसका मरना मुझसे देखा नहीं जाएगा। चलो ना डब्बू। तुम क्या करती हो, कहां जा रही हो? शॉट रेडी है, कम है कम है। जी सर। ये चड्डी वाला उल्लू का पट्टा, इस साले जोकर को भी अभी आना था। मेरी सारी एक्टिंग की ऐसी कम तैसी कर दी। उधर बॉस मुझे गालियां दे रहा होगा। इसे भी अभी खराब होना था। डब्बू दादा, एक फाइनल रिहर्सल। ओके दादा। नेहा वेरी गुड, थोड़ा पल्लू ऊपर उठा के ऐसे, ब्यूटीफुल पोज, ब्यूटीफुल। अब तुम पीछे जाओ और सही मार्क पे आना। ओके जाओ, वेरी गुड, एक्शन। नेहा नेहा, अरे कटेड यार, ए देख क्या कर रही हो पागल की। गाड़ी हटाओ। ए, गाड़ी बीच में क्यों खड़ी कर रखी है? अबे चिल्लाता काहे कोई बे? गाड़ी का इंजन खराब हो गया और मुझे अकेले में इतनी ताकत नहीं है कि गाड़ी को उठाकर साइड में रख सकूं। ठीक है, हम तुम्हारी मदद करते हैं। थैंक यू। आइए 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 बिल्डर बाबू, आइए आइए। भारी है ना, है ना भारी? चिल्ला रहा था, चल उठा उठा उठा। वेरी गुड, दम लगा के। अबे भैया बोल, दम लगा के। अय्या हाँ, शुक्रिया भाई साहब। जरा देखो तो नेहा आ गई, चलो जल्दी। हाँ वाकई आप लोग बहुत ताकतवर हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। कम ऑन, जल्दी करो, निकले यहाँ से, चलो। ये डब्बू साला कहाँ गया? नेहा नेहा अरे ये तो अच्छा हुआ उस वक्त पृथ्वी वहां पे मौजूद था, वरना पता नहीं क्या हो जाता।
कहीं कोई जायदाद वायदाद का मामला तो नहीं? आई डोंट नो। कहीं कोई पुराना चक्कर तो नहीं? भाई नेहा, हम तो तुम्हें जानते नहीं, शायद पृथ्वी को मालूम हो, वो तो तुम्हें पहले से जानता है ना। प्लीज, मैंने कहा ना आप लोगों से कि मैं नहीं जानती वो लोग कौन थे और उन्होंने ऐसा क्यों किया। मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ और आप लोग मुझे शर्म नहीं आती तुम लोगों को? सुबह से एक ही टॉपिक लेकर बैठे हो। हैप्पी, खुश हुए ना तुम लोग? अगली बार उन लोगों को मैं तुम्हारा पता दूंगा और मेरा बॉस तुमको बचाने भी नहीं आएगा। बॉस 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 क्या है? नेहा जरा घबरा गई है, उसको प्यार से समझा देना। और क्या? ढाई अक्षर प्रेम के बोल देना। टबू स्टूपिड। नेहा, ए नेहा, नेहा उन लोगों की बातों का बुरा मत मानना। पृथ्वी, क्या तुम्हें भी मेरी बात का विश्वास नहीं? ऑफ कोर्स आई बिलीव यू, लेकिन क्या है ना, मैं भी कुछ डर सा गया था क्योंकि सुबह जो हादसा हुआ वो कोई मामूली बात तो नहीं है ना। मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा पृथ्वी, मैं बहुत डर गई हूँ। hey, डरने की कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरा यकीन करो, दोबारा वो लोग तुम्हारे आसपास भी फटके ना तो उनके सारे खानदान का पता तुम्हें बता दूंगा, आई प्रॉमिस। नेहा, बहुत दिनों से मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो। आई थिंक तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे नेहा। हाँ? हाँ। क्या मतलब? शादी, शादी तो करोगी ना, तो उसके लिए तुम्हारी पसंद का कोई लड़का। पृथ्वी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ना 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 ना, मेरा मतलब है एक ना एक दिन तुम्हारी शादी होगी ना, तो उसके लिए एक लड़का चाहिए। तो लड़का कैसा? डबू जैसा ना, चाली जैसा ना, तो फिर कुछ 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 मेरे जैसा। कुछ 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 समझ लो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ना ना ना, डोंट मिसअंडरस्टैंड, समझ लो। तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? शायद मैं हाँ कह दूँ। शायद? हाँ, तुमने भी तो समझ लो कहा था। अच्छा अच्छा, और नेहा अगर मैं सीरियसली पूछूं तो? तो मैं सीरियसली हाँ कह दूंगी। हाँ? मतलब तुम?
दिल दे दिया ले लिया से हाँ तेरा दिल ले लिया दे दिया है का अंदाजा ही नहीं है पृथ्वी। मेरा इस दुनिया में था ही कौन? एक माँ थी जो इसी गम में चल बसी के उसके बाद मेरा क्या होगा? काश वो जिंदा होती तो ये देख पाती कि मुझे कितना प्यार करने वाला पति मिल गया। इस प्यार को कभी कम मत होने देना पृथ्वी। मैं जी नहीं पाऊंगी। वादा करो, वादा करो कि तुम मुझे अपने आप से कभी अलग नहीं होने दोगे। अब हमारी जिंदगी अलग अलग कहां है नेहा? तुम ही मेरी जिंदगी हो। एक पल के लिए भी खुद से अलग नहीं रखूंगा। और फिर रिश्तों के नाम पर मेरा भी कौन था? सिर्फ डब्बू और मेरा कैमरा? कैसी बातें करने लगा मैं? I'm sorry, वरना सुहागराज इमोशनल सीन के चक्कर में खत्म हो जाएगी। आज की रात हर पति अपनी पत्नी को कोई ना कोई तोहफा देता है, लेकिन जो तोहफा मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ वो तुम देखती रह जाओगी। शाला गोविन करे। ओके You, my lady. बैठिए। Suggestion. मैं ये पहनूं? अगर वो भी no problem. Prithvi! I hate you. अरे क्या? Sorry. एक दिन तो चैन से सोने दे। बॉस अभी चैन ही चैन है। एक आदमी फंटास्टिक ऑफर लेकर आया है। शादी हो चुकी, अब कौन सी ऑफर? अरे शादी की ऑफर नहीं बॉस, काम की ऑफर लेकर आया है। आप एक मिनट चलिए तो सही प्लीज। चल चलिए चलिए। इंडिया इज रियली चेंज्ड। आइए। ही इज मिस्टर पृथ्वी, माय बॉस। हाय मिस्टर पृथ्वी, आई एम बारी फ्रॉम अमेरिका एंड दिस इज मिस्टर जैक, मेड इन अमेरिका।
पृथ्वी, मैं एक अमेरिकन एयर एजेंसी की तरफ से आया हूँ और हमारी कंपनी अमेरिका में एक बहुत बड़ा शो करने वाली है। यू आर वेरी लकी मिस्टर पृथ्वी, इंडिया से स्टिल फोटोग्राफर आप चुने गए हैं और मॉडल चुनी गई है मिस नेहा। अब वो मिस नेहा नहीं है, अब वो हमारी भाभी है, मिसेस पृथ्वी। कल ही हमारी शादी हुई। Oh, congratulations again. Thank you. ये रहा आपका contract, आपकी दो टिकटें और आपका advance. You have to sign the contract. Okay. मैं जरा पढ़ लूँ. Yes. ये दो टिकट का तीन नहीं हो सकता क्या? I'm sorry. टिकटें तो दो ही हैं. Thank you very much. Thank you, Mr. Prithvi. See you in America soon. Sure. All the best. Come on, Jack. Bye. तुझे क्या हुआ? बॉस, मुझे मेरे भाइयों की याद आ रही है। किसकी? भाइयों की। ये तेरे भाई कहाँ से पैदा हो गए? दरअसल बॉस, मैंने आज तक आपको ये कहानी सुनाई नहीं। मैं अकेला नहीं हूँ, हम सुड़वा भाई हैं। सुड़वा? सुड़वा भाई? चुड़वे तो सुने थे, ये सुड़वे क्या होते? हम सात भाई एक साथ अमेरिका में पैदा हुए थे बॉस। मेरी माँ गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। ये तो मेरी किस्मत ही खराब थी बात कि मेरी सड़ी हुई मौसी अमृतसर से आई और उन सातों में से उसकी नजर मुझ पर पड़ गई और मुझे इंडिया में लेकर आ गई, वरना मैं भी आज अमेरिका में होता और आपसे बेटर फोटोग्राफर होता। तू मुझे पागल समझता है? नहीं, आपको पृथ्वी समझता हूँ बॉस। बॉस, मुझे अकेला छोड़कर मत जाना। आपके पास टिकट नहीं है तो कोई बात नहीं, एक काम करना, मुझे बैगेज में डालकर ले जाना। दबू, तेरी ये झूठी कहानी बंद कर दे प्लीज। क्या झूठी कहानी? अब आपको मेरी कहानी भी झूठी लगने लगी, आपको मैं भी झूठा लगने लगा। ठीक है बॉस, ठीक है बॉस, आपको मैं एक दुआ देता हूँ कि आपका यहाँ पर पाला सिर्फ एक के साथ था, भगवान करे उधर आपका पाला छेते के साथ पड़े, कदम कदम पाला पड़े। आप जाओ, जाओ ना, जा। मैं चला तेरी भाभी को खुशखबरी सुनाने, समझे? तू यहाँ खड़े रहकर रोते रहे। ठीक है, भाभी को खुशखबरी सुना, मुझे यहाँ पर तू खबरी सुना कर जा रहा है, अकेला मेरा क्या होगा? I love you, I love you, I love you, I love you, I love you. You know how lucky you are for me? What happened? हम दोनों अमेरिका जा रहे हैं, मैं और तुम। मैं फोटोग्राफर, तुम मॉडल। पृथ्वी, मैं और मॉडल, मैंने ये फैसला किया कि अब मैं मॉडलिंग नहीं करूंगी। ये तुम कह रही हो नेहा? वो नेहा जिसके इतने सपने थे? मेरे सपने तो उसी दिन पूरे हो गए थे जब मैंने तुमसे शादी की। अब तो मेरे लिए ये घर और तुम सब कुछ हो। ठीक है बाबा, अगर हमारी जान नहीं जाएंगी तो हम भी नहीं जाएंगे। अरे बाबा, तुम वहाँ काम करने के लिए जा रहे हो। काम तो यहाँ भी बहुत है नेहा, मैं उन्हें ना करके आता हूँ। ओके पृथ्वी, तुम मेरे लिए इतना बड़ा मौका छोड़ दोगे? ठीक है, मैं मॉडलिंग करूंगी। सच? आखिरी बार, सिर्फ तुम्हारे लिए। आई लव यू नेहा। नेहा, वैसे भी वहाँ काम कम है और रोमांस ज्यादा। हनीमून इन अमेरिका। Welcome to America. Thank you. आपकी गाड़ी आपके लिए नीचे इंतजार कर रही है, वो आपको आपके होटल ले जाएगी। Thank you very much. They have arrived. This is your room key, sir. Thank you. You're welcome. Have a Chalo. Nice day. Thank you. Good evening, sir. You know I'm Billy the Bellboy, sir. Pretty? ये तो Welcome to America, sir. अबे डबू, तू इतना मोटा कैसे हो गया साला? What Dabu? I'm not Dabu. I am Billy the Bellboy America Limited. नहीं जानते, काले बंदे ना। ये डबू ने डब्बा है। तुम्हारी शक्ल मेरे दोस्त से काफी मिलती है। कहीं तुम सात भाई तो नहीं हो? सुना तो मैं भी, लेकिन बाकी छह से कभी मिला ना है। तुम्हारा एक भाई हमारे साथ इंडिया में काम करता है। Really? Yeah. My brother. मेरा उसको हाय बोलना। हाय? हाय अमेरिका कंट्री है, तो कोई टाइम नहीं किसी को मिलने का, सिर्फ हाय बोलने का टाइम। वेरी बिजी कंट्री। चलो मैं आप लोगों को आपका रूम में छोड़ता है।
दे हम चेकते हैं। वो लोग होटल आ चुके हैं। नेहा। क्या है? अरे जल्दी आओ बाबा। क्यों जल्दी आओ? बाहर आओ बताता हूँ। क्यों? क्यों? अरे यहाँ भी लाइट जाती है? नेहा एक मिनट मैं अभी लाइट का इंतजाम करता हूँ। लाइट की कोई जरूरत नहीं है। हाँ? चैन गया मेरा छीन कैसे जीऊं तेरे बिन तारों को यूं गिन गिन आजा अभी जाना तरस मिलन को मन 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 मैं हूँ दिल तेरा तू है मेरी धड़कन धड़कन पागल आजा आप जाना तरस मिलन को मन 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 मैं हूँ दिल तेरा तू है मेरी धड़कन धड़कन
ए, क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ कि मेरी किस्मत कितनी खूबसूरत है। क्या तुम हमेशा मुझसे इसी तरह प्यार करते रहोगे? ये लो, हमेशा मतलब? जानती हो नेहा, मैं भगवान से दिन रात तुम्ही को मांगता हूँ। 7 जन्मों का तो वादा किया है उन्होंने, और फिर एक्सटेंशन मिलने का भी चांस है। धक। क्या हुआ? नेहा, जब तुम इस तरह मुस्कुराती हो ना, तो जी करता है बस। क्या कर रहे हो? सब लोग देख रहे हैं। अरे देखने दो ना, मुझे किसी की देखने की परवाह नहीं। एक मिनट में 60 सेकंड, एक घंटे में 60 मिनट, और एक दिन में 24 घंटे बस तुम्हें देखता रहूं, तुम्हें चूमता रहूं। Hi, can I get you something? No, go. Prithvi, yeah, actually, oh, I'd like. Oh, oh, oh my sorry. God! You see, stupid. I'm sorry. God. I'm so sorry, ma'am. I'm very much sorry. It's okay. It's okay. Really, it's okay. Thank you. Stupid. Prithvi, छोड़ो ना. एक सेकंड में धुल जाएगा। मैं अभी आती हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? बाथरूम। मैं चलूँ? तुम कैसे आ सकते हो? पैरों से। बाबा मैं लेडीज बाथरूम जा रही हूँ। मैं भी लेडी के साथ जा रहा हूँ ना। तुम एक सेकंड के लिए भी इंतजार नहीं कर सकते? कर सकता हूँ, लेकिन अगर तुम साथ हो तो। तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे मैं जाकर कभी वापस ही नहीं आऊंगी। एक सेकंड, ओके? मैं चलूँ? बैठो। मैं चलूँ? नेहा, चलूँ? आधा घंटा हो गया, अभी तक आई नहीं। नेहा, 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 ओह गॉड। यस मैम, मे आई हेल्प यू? एक्सक्यूज मी। यस सर। आपने मेरी बीवी को देखा? योर वाइफ? नो सर, आई हैवंट। या मैम। Excuse me, is my wife back? No, wasn't she with you? Yeah, but are my keys there? No, your wife has the keys. Maybe she's in her room? All right. Thank God. Neha, that's not fair. Neha? 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 Have you seen her? Sir, I don't know where she is. Maybe she's gone out somewhere. She's not around? No. Shit! Neha! Neha! Hey, man. Hey, man, are you looking for somebody? Yeah, I'm looking for my wife, please. Is she a pretty Indian lady? Yeah. You give some money, I can tell you the story. Yeah. Yeah, keep this. Keep it coming, man. Yeah. Yeah, where do you see her? Hey, did she have a jewelry like this, man? Yeah, that's hers. Hey, poor guys had her. They got her into a car. I don't know where they went, man. You don't know where they went? No, I don't know where they took her. Shit, thanks. Billy, meri biwi nahi mil rahi, Billy. Parking lot mein ye toota hua mangalsutra mila. Aur wahan jo aadmi baitha hua, उसने कहा कि उसने किसी औरत की चीख सुनी। बिली, अरे दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर, तो
तुम जल्दी से काम करो, सीधे जाके पुलिस स्टेशन रिपोर्ट करो, पुलिस स्टेशन सड़क है उस पार, गो गो गो। ओ गॉड, द वाइफ इज गॉन। Okay guys, let's just go to the hotel, check it out and report back to me. Yeah. Nice. Okay, right. वो आदमी यही था जिसने मुझे बताया कि मेरी बीवी का किडनैप हुआ था। उसी ने मुझे ये मंगलसूत्र दिया। He was here. Uh-huh. So where is he now? I don't know. आप बता रहे थे कि होटल के बाथरूम का कोई शीशा टूटा हुआ है? हाँ, हाँ, यही पर। Everything seems to be all right. Believe me, sir, this mirror was broken. ये शीशा टूटा हुआ था। और फिर यहाँ कुछ खून के धब्बे भी थे। मिस्टर पृथ्वी, यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन है। तुम कहते हो कि शीशा टूटा हुआ था sir, और यहाँ पर। नहीं बोल रहा हूँ, sir. I'm not lying. Believe me. Listen, man, you have any photograph of your wife? Yes, of course I do. In my room, please. तो अब आपकी बीवी के बैग्स भी मिसिंग है। इसका मतलब है कि कोई फोटोग्राफ नहीं होंगे आपके पास। मेरा यकीन कीजिए सर, मेरे साथ बहुत बड़ी साजिश हो रही है। मेरी बीवी का सामान, उसके फोटोग्राफ, मेरा इक्विपमेंट कुछ नहीं है यहाँ पर। पृथ्वी, अभी तक हमने जो भी देखा उससे कुछ साबित नहीं हो रहा है। और वैसे भी तुम्हारे हिसाब से ये किडनैपिंग केस है। बिना फोटोग्राफ्स के हम किसे ढूंढेंगे? तुम्हें जब भी कोई फोटोग्राफ्स या कोई सबूत मिल जाए तो तुम पुलिस स्टेशन आ जाओ। ऑलराइट सर, सर मेरी बात तो सुनिए सर। सर हेलो हेलो, बीवी के लिए परेशान हैं आप? कौन बोल रहा है? एक दोस्त। हमसे आपकी परेशानी देखी नहीं जा रही, इसलिए सोचा आपको बता दें। आपकी बीवी हमारे पास है। कौन है तू? कहाँ है मेरी नेहा? रिलैक्स मिस्टर पृथ्वी, रिलैक्स। आपकी बीवी एकदम ठीक ठाक है, उन्हें कुछ नहीं होगा। वैसे आपकी बीवी काफी खूबसूरत है, लेकिन यकीन कीजिए मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। समझ रहे ना? I'll kill you, you bastard! गलती आपकी है। अगर आप इंडिया में नेहा को ना बचाते तो आपको ये दिन ना देखना पड़ता, और उस पे आपकी बदकिस्मती कि आपने उसे शादी कर ली। बट डोंट वरी, ये परेशानी सिर्फ दो चार दिन की है। मेरा काम होते ही आपकी बीवी आपको वापस मिल जाएगी। You bastard! You bastard! इस तरह छुरी उठाने से कुछ नहीं होगा मिस्टर पृथ्वी। कहाँ है तू? आपकी सांसों से भी ज्यादा करीब हूं मैं। तेरी सांसें तब तक तेरे साथ है जब तक तू दूर है। मर्द की औलाद है तो सामने आ। प्लीज मिस्टर पृथ्वी, मुझे शोर नहीं पसंद, इसलिए शहर में ज्यादा शोर मत मचाइए। मेरा मकसद पूरा होते ही मैं आपकी बीवी आपको लौटा दूंगा। मैं ये तो नहीं जानता तेरा मकसद क्या है, क्या चाहता है तू हमसे। हो सकता है तेरा प्लान सही हो, लेकिन आदमी गलत चुना है तूने। तू जो भी है, जहां भी है, इतना सुन ले, तेरी मौत तुझसे उतनी दूर है जितनी दूर मैं तुझसे हूं। You bastard! Could you show me the way to the commissioner's office, this please? This way. Thank you. Yeah. Yeah? Yeah? Okay. Excuse me, I just received a call from the man who kidnapped my wife. Yeah? You know his name? No. Well, then I just can't help you, man. Have you managed to get the photographs of your wife? No, I haven't. Tum apni biwi ke photographs India se kyun nahi mangwa lete? Haan. Studio se photographs manga sakta hu. Lekin uske liye mujhe India phone karna padega. Main abhi aaya. Listen, तुम यहीं से फोन कर सकते हो। Go ahead. Thanks. Hello. Hello. Hello, Dabu. Boss. Dabu, Prithvi, Dabu. Boss कहाँ है आप? मैंने आपको कितना फोन ट्राई किया? आप कैसे? Hello, मेरी बात सुन, Dabu. अच्छा, मुझे कुछ फोटोग्राफ नेहा के अर्जेंटली इस नंबर पे फैक्स कर देना। फोटो कहाँ से भेजू? यहाँ तो स्टूडियो जलकर राख हो गया बॉस, सब खत्म हो गया। जलकर? हाँ, जिस दिन आप गए उसी दिन अचानक पता नहीं कैसे आग लग गई बॉस, सब कुछ खत्म हो गया, मैं भी खत्म हो गया बॉस। आप तो ठीक है ना? भाभी कैसी है? ओह गॉड, मैं बाद में फोन करता हूँ। हेलो बॉस। शिट, क्या बात है? मैं फोटोग्राफ नहीं मंगा सकता क्योंकि मेरे स्टूडियो में आग लग गई है। What's he saying? He says he can't get the photographs because his studio has been burned. Are you sure your wife hasn't just run off? Don't say that, she's been kidnapped. Meri
बीवी अपनी मर्जी से नहीं गई, वो एक हिंदुस्तानी औरत है और हमारे लिए शादी 7 जन्मों का बंधन होता है, इनकी तरह नहीं। सुबह शादी हुई शाम। What he saying now? Nothing, nothing important. अगर आप मेरी मदद नहीं कर सकते, if you cannot help me find my wife, I will myself, my way. Listen, एक हिंदुस्तानी होने के नाते तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ, ये अमेरिका है, यहाँ कानून अपने हाथ में मत लेना, बहुत प्रॉब्लम में आ जाओगे। प्रॉब्लम तो शुरू हो चुकी है ऑफिसर। I'm sorry sir, you must vacate the room. Here's your luggage. लेकिन बिली। I'm sorry sir. इन लोगों का कहना है कि आपकी वजह से होटल में पुलिस आ रही है, होटल की बदनामी हो रही है, इसलिए आप लेकिन please. बिली मेरी बीवी तो यहीं से किडनैप हुई। जिन लोगों ने आपका होटल में रूम बुक किया उन लोगों ने पेमेंट भी नहीं दिया, पैसा भी नहीं दिया। But where do I go? That is your problem, sir. I'm sorry. Sir, मैं अमेरिका लिमिटेड जरूर हूँ, लेकिन मेरा दिल, my heart is India limited, sir. सर अगर आप चाहें तो मेरे घर में रह सकते हैं सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। मेरा घर छोटा जरूर है, सिर्फ 10x14 का छोटा सा रूम है सर, लेकिन मेरा दिल बहुत बड़ा है सर। My heart is very big sir, as big as me sir. Stay in my house. Thank you Billy. Thank you. Thank you. God bless you sir. कभी कम मत होने देना पृथ्वी, मैं जी नहीं पाऊंगी। मेरे सपने तो उसी दिन पूरे हो गए थे जब मैंने तुमसे शादी की। अब तो मेरे लिए घर और तुम सब कुछ हो। ठीक है बाबा, अगर हमारी जान नहीं जाएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। वापस ही नहीं आऊंगी। कैच! एंड ऑफ योर परफेक्ट। कम ऑन स्विच ऑन। खून बहा रहे हो तो। अगर किसी की इज्जत बचाना खून बहाना है तो मैं शहर में खून की नदियां बहा दूंगा। What's he trying to say? Arrest this man. No, Inspector. He saved my life. इन्होंने मेरी जान बचाई है। मिस्टर पृथ्वी,
मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कानून अपने हाथ में मत लेना, ये इंडिया नहीं अमेरिका है। अमेरिका कानून? किस कानून की बात कर रहे हो तुम? सरेआम रेप कत्ल किडनैप होते हैं यहाँ। कहाँ था तुम्हारा कानून जब मेरी बीवी को किडनैप किया गया? कहाँ था तुम्हारा कानून जब इस लड़की को रेप कर रहे थे? हाँ? Listen to me, mister. Listen to me, you listen to me. तुम एक हिंदुस्तानी हो, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी हिंदुस्तानी खून बचा है, तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि हिंदुस्तानी अपनी आन अपनी इज्जत के लिए कुछ भी कर सकता है। अगर 24 घंटे के अंदर मुझे मेरी बीवी नहीं मिली तो मैं शहर को आग लगा दूंगा, जलाकर राख कर दूंगा शहर को। अपनों की मदद नहीं करते हैं, आपने तो काश किसी ने मेरी बीवी की मदद की होती तो शायद। किसने किडनैप किया आपकी बीवी को? अगर इतना पता होता तो। शहर ही ऐसा है, पत्थरों का जंगल, यहाँ लोग खो जाते हैं और अक्सर उनका पता भी नहीं चलता। No, don't say that. कौने नहीं दूंगा मैं अपनी बीवी को, मेरी नेहा खो नहीं सकती। मैं उसे इसलिए यहां थोड़ी लाया था कि वो मुझसे दूर हो जाए। नो, आई एम सो सॉरी। देखिए रात काफी हो चुकी है, मेरा घर पास ही में है, अगर आप चाहें तो। थैंक्स, मुझे अपनी बीवी को तलाश करना है, पता नहीं वो कहां होगी, किस हाल में होगी। करो तुम लोग, क्यों लाए हो मुझे यहाँ पे, क्या चाहते हो तुम लोग? रिलैक्स, डरिए मत, आप यहाँ बिल्कुल सेफ हैं। देखिए मुझे जाने दीजिए, प्लीज प्लीज। जाने देंगे, जरूर जाने देंगे। हाँ, सिर्फ एक काम करना होगा आपको हमारा। देखो आगे मत पढ़ना, क्या चाहते हो तुम? I am not asking you. I am telling you. मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूं, बल्कि आपसे बोल रहा हूं। आपको मेरा ये काम करना पड़ेगा वरना। बीके फोन। हेलो, क्या होश आ गया? You guys wait outside for me. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Rashmi. Rashmi. Kaise ho, beta? किया ना ये सब? हम सब तुम्हारे इसी बयान का इंतजार कर रहे थे। अच्छा याद करो,
याद करो उस दिन क्या हुआ था, क्या हुआ था उस दिन याद करो। उस दिन, हाँ उस दिन मैं घर आने वाला था, लेकिन लेकिन उससे पहले बोलो। प्लीज कम इन जी, आपसे कोई मिलने आया है। और हाँ वीके आता ही होगा, जरा जल्दी तैयार हो जाइए। अरे मैं तैयार हूँ भाई। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। दिस पार्सल वाज टू बी डिलीवर्ड टू यू वेरी अर्जेंटली सर। थैंक यू। यू वेलकम। गुड नाइट सर। गुड नाइट ऑफिसर। राज, मैं नरेश बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए भाई साहब। मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है, तुम जल्दी आ जाओ। रात को तो आ ही रहा हूँ ना भाई साहब, जानता हूँ वीके डिनर पर आ रहे हैं। उस हराम जादे का नाम मत लो तुम फौरन चले आओ। और आज सुनो, अपने साथ पुलिस लेके आना। पुलिस को लेकर आखिर बात क्या है भाई साहब? राज मेरे साथ बहस मत करो, जस्ट कम इमीडिएटली। हे डैड, डैडी, मेरी शादी का कार्ड मैंने सेलेक्ट किया, इसने ब्यूटीफुल। आपने मेरी शादी का कार्ड फाड़ दिया। ये तुम्हारी शादी का कार्ड नहीं, तुम्हारी बर्बादी का कार्ड है। बेटी तुम नहीं जानती, वीके एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है। What? मुझे अभी इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली है कि भारत की पुलिस वीके की तलाश में है। माफिया लिंक्स, पॉलिटिकल किलिंग्स, ऐसा कौन सा जुर्म है जो उसने नहीं किया? ये तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि शादी के पहले उसकी असलियत पता चल गई, वरना मिस्टर मल्होत्रा मैं खुद अपने बारे में आपको बता देता, मगर इतनी जल्दी नहीं। मैं जानता था कि एक दिन कानून मुझ तक पहुंच सकता है, इसलिए मैंने रश्मि को चुना ताकि इससे शादी करके आपको अपनी ढाल बना सकूं। आपकी यहां एक पोजिशन है और मैं उसे अपनी प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। तुम मेरे प्यार को अपने फायदे के लिए यूज कर रहे थे? How could you be kidding? Oh, just keep quiet, baby. Just keep quiet. मल्होत्रा साहब, मैंने इंडिया में मेरे खिलाफ सारे सबूत मिटा दिए हैं, बस एक सबूत है जो आपके पास आ गया है, वो फ्लॉपी। लाइए मुझे दे दीजिए प्लीज। वो फ्लॉपी तुम्हें पुलिस को दूंगा और तुम्हें अरेस्ट करवाऊंगा। आप मुझे अरेस्ट करवा देंगे? फांसी लगवा देंगे मुझे? अपने होने वाले दामाद को? अगर मेरी बेटी तुम जैसे कमीने की बीवी होती तो भी मैं तुम्हें फांसी लगवा देता। और तुम क्या समझते हो, ये फ्लॉपी लेकर तुम बच जाओगे? मैंने राज को फोन कर दिया है तो पुलिस लेकर आता ही होगा। नहीं मल्होत्रा साहब, मैं जेल नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे जेल में रहने की आदत नहीं है। अरे ये क्या हो रहा है वीके, ये रिवॉल्वर हाथ में लेके क्या कर रहे हो तुम? भक्ति ही इज अ ब्लडी क्रिमिनल, ये कानून का दुश्मन है। तो आपने मुझे दुश्मन मान ही लिया मल्होत्रा साहब। जो वीके से दुश्मनी मोल लेता है जिंदगी उसकी दुश्मन हो जाती है। Just put the gun down, वीके। Now it's time to go.
राजा कल देख के सब क्या हो गया, उस कातिल ने सबको मार डाला, अकल को, आंटी को, अभी रश्मि को भी। This girl is still alive. Rashmi, Rashmi, take her to the hospital immediately. You've done it, you bastard. You've done it. अरे, अरे मैं क्यों मारूंगा? अपनी होने वाली बीवी को मारूंगा मैं? और ये देखिए, मुझे भी तो गोली लगी है। और वो कातिल वहाँ से भाग गया। झूठ बोल रहा है तू, झूठ बोल रहा है। वरना भाई साहब मुझे पुलिस के साथ आने को क्यों कहते? तेरे बारे में कुछ कहना चाहते थे, लेकिन मेरे आने से पहले तूने, तूने हाँ, ऑफिसर, यस सर, अरेस्ट दिस मैन। I strongly suspect him. अरे यही कातिल है। अरे तुम कातिल हो, get out. राजन किलाब क्या कर रहे हैं? Come on, move. अरे क्या कर रहे हैं आप? अरे मैं बेकुस हो रहा हूँ। अगर मैंने कुछ नहीं किया क्या? बस बेटा बस, बस। देखो, अब उसे फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकता। What? He's still free? उसे अभी तक सजा नहीं हुई। क्या करूं बेटा, मैंने तो उसे अरेस्ट किया था, लेकिन उसके खिलाफ सबूत और गवाह सिर्फ तुम थीं। Oh, और तुम्हारे कोमा में जाने की वजह से यहाँ के कोर्ट ने उसे जमानत दे दी। अब तो मैं होश में आ गई हूँ, मुझे अभी कोर्ट ले चलिए, मैं उसके खिलाफ गवाही दूंगी। सिर्फ दो दिन इंतजार करो बेटे, मंडे में तुम्हें कोर्ट ले जाऊंगा। और दो दिन? पीके बहुत खतरनाक है, अगर उसे पता चल गया कि मैं होश में आ गई हूँ वो तो मुझे कुछ नहीं कर सकता। वो तुम्हारा, यहाँ की सिक्योरिटी बहुत सख्त है। और सुनो, कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि अगर तुम्हें कुछ भी हो गया ना तो वीके उसका जिम्मेदार होगा, और वो ऐसी गलती कभी नहीं कर सकता। गुड मॉर्निंग अंकल। हाय डार्लिंग। यू आर ब्लडी किलर, गेट आउट ऑफ हियर। क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? ऑफिसर्स, मैं अपनी होने वाली बीवी से मिलने के लिए कोर्ट से ऑर्डर लेके आया हूँ। बहुत हो गया तेरा नाटक हरामजादे, मंडे कोर्ट में सब खत्म हो जाएगा। आप लोग मेरी रश्मि को मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं, लेकिन ये जानती है कि मैं बेगुनाह हूं, और आप देखना कोर्ट में मेरा ही साथ देगी वो, है ना डाले? अंकल प्लीज। इनफ, टेक योर क्लाइंट अवे, आप जा सकते हैं। Relax, relax. Prithvi, आप जा रहे? हाँ, शुक्रिया। शुक्रिया किस बात का? एहसान तो आपने मुझ पे किया है। वैसे आप चाहे तो यहाँ रह सकते हैं। Thanks. नेहा को ढूंढा है, सोच रहा हूँ इंडियन एम्बेसी जाऊँ, शायद कुछ मदद मिले। सुनिए, ये मेरा कार्ड है, मैं इस क्लब में काम करती हूँ। आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज फील फ्री। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मैंने आपसे पहले भी कहा ना कि आज आप उनसे नहीं मिल सकते। आज मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। प्रॉब्लम? अमेरिका के अंदर सबको बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मौत की प्रॉब्लम, बच्चे की प्रॉब्लम, शादी की प्रॉब्लम, तलाक की प्रॉब्लम, ड्रग्स की प्रॉब्लम एंड नो प्रॉब्लम। इसलिए हर आदमी यहाँ अमेरिका के अंदर रहना चाहता है। मुझे अमेरिका में रहने का कोई शौक नहीं, एक दिन भी रहना नहीं चाहता मैं। मुझे अपनी बीवी वापस चाहिए जो शहर ने छीनी है मुझसे। लिसन मिस्टर, आई टोल्ड यू, वो आज आपसे नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकते? उन्हें मिलना होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आप लोगों को हमारी मदद के लिए रखा, अगर आप लोग अपने देशवासियों की मदद नहीं कर सकते तो बंद कर दीजिए ऑफिस को, लगा दीजिए ताला। What's wrong, officer? The gentleman has lost his wife in America. सर, मेरा नाम पृथ्वी है, मेरी बीवी इस शहर में किडनैप हुई है, मुझे आपकी मदद चाहिए सर, प्लीज। आप इनको अंदर भेज दीजिए। आप अंदर जा सकते हैं। नेक्स्ट। गुड आफ्टरनून सर। आपका पति खो गया? तो ये बात है। जी हाँ सर, अगर आप मेरी बीवी का डुप्लीकेट पासपोर्ट इंडिया से मंगा देंगे
उसमें उसकी फोटो होगी तो शायद उस फोटो के जरिए पुलिस मेरी कुछ मदद कर सके। प्लीज सर। देखो अभी तो वहां पासपोर्ट ऑफिस बंद हो गया होगा, कल परसों सैटरडे संडे है, अब मंडे ही कुछ हो सकता है। सर मैं मंडे तक कैसे रुक सकता हूँ सर, प्लीज। सॉरी जेंटलमैन, अगर आप सुबह आते तो शायद मैं कुछ कर पाता। सर मैं सुबह से यहीं बैठा हूँ, पिछले 5 घंटे से वो लोग मुझे आपसे मिलने नहीं दे रहे सर। गुड आफ्टरनून चौहान। आओ राज, सुना है रश्मि को होश आ गया है, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू वेरी मच, उसी सिलसिले में आपके पास आया था। मंडे उसे कोर्ट ले जाना है और मुझे एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी। ये लीजिए उसकी फाइल, देख लीजिए। आई होप थिंग्स आर ऑलराइट। एक्सक्यूज मी सर। ओह हाँ, सॉरी जेंटलमैन, मैं मंडे से पहले कुछ नहीं कर सकता। सॉरी, हाउ कैन यू से दैट? देखिए मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी बीवी को किडनैप हुआ, दूसरा दिन है, न जाने वो कहाँ है, किस हाल में है, और फिर आप इस पोस्ट में रहकर मेरी मदद नहीं कर सकते। क्या बात है चौहान। कल इनकी बीवी का किडनैप हो गया है और इनके पास उसका कोई फोटो भी नहीं है। भाई फोटो के बिना तो बहुत मुश्किल होगा, यहाँ तो आए दिन किडनैप होते हैं। इस महीने 20 हो चुके हैं, तुम्हारे किसवा है? आपके लिए नंबर होगा सर, मेरा ये पहला केस है। एक बात जान गया हूं मैं, यहां ना पुलिस मदद करेगी ना अपने देशवासी, जो कुछ भी करना है मुझे खुद करना होगा। थैंक यू मिस्टर एम्बेसडर। एक्सक्यूज मी। देखो मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझता हूं, लेकिन एक बात याद रखना, यहां कोई गलत कदम मत उठाना, क्योंकि अजनबी शहर है और दूसरों का देश। पत्थरों का शहर और नामर्दों का देश है ये, जहां औरतों पर जुल्म होता है।
है मेरी बीवी? Who the hell are you? मैंने पूछा कहाँ है मेरी बीवी? Look man, I don't know what the hell you are talking about. अबे साले अंग्रेज की नाजायज औलाद, हिंदुस्तानी भूल गया? कहाँ है मेरी बीवी? मुझे नहीं मालूम. बता. मुझे नहीं मालूम. बता मेरी बीवी कहाँ? मुझे नहीं मालूम. मुझे नहीं मालूम. बता. नहीं मालूम. बताता हूँ, देखो मुझे नहीं मालूम तुम्हारी बीवी कहाँ है, लेकिन जिस आदमी ने मुझसे एक काम करवाया उसका पता मैं तुम्हें देता हूँ. ये उसका कार्ड है, ये लो उसका कार्ड ले लो. अगर तू झूठ बोल रहा है तो इतना याद रखना. नो नो नो, जान से मार दूंगा तुझे. नो, जान से मार दूंगा. ओके ओके, वी बाय द कैसीनो, वील बाय द कैसीनो, राइट? Yeah, exactly. That's what I meant. You? तूने सोचा भी नहीं होगा कि मैं तुझ तक पहुंचाऊंगा. Exactly. मैंने तो सोचा था तुम अब तक इंडिया वापस चले गए होंगे. Exactly. लेकिन तूने सिर्फ आने की टिकट दी थी, जाने की टिकट नहीं. तो फिर जाने की टिकट भी दे देता हूँ. मैं यहाँ अपनी बीवी के साथ आया था, और इतना सुन ले, चाहूंगा भी अपनी बीवी के साथ. बता मेरी बीवी कहां है? What nonsense, क्या बकवास कर रहे हो तुम? Are you crazy man? पागल हो गए हो तुम? कहां है मेरी बीवी? What's wrong with you? Yo! पागल हो गए तुम? तुम तो पागल हो. देखो देखो देखो, कहाँ मेरी बीवी? मुझे नहीं पता. बता कहाँ है मेरी बीवी? मुझे नहीं पता. Oh, I don't know. तुझे बताना होगा. I don't know, man. मुर्दे बोला नहीं करते. कौन कौन बोल रहा है? तू मुझे भूल गया हरामजादे, लेकिन मैं तेरी आवाज को अच्छी तरह पहचान गया हूं. याद है मैंने क्या कहा था? तेरी मौत तुझसे उतनी ही दूर है जितनी दूर मैं तुझसे हूं. मैं तेरे बहुत करीब आ गया हूं. डायलॉग्स बहुत अच्छे बोल लेते हैं आप, मगर शायद आपको पता नहीं, आप मुझ तक तो क्या मेरे साये तक भी नहीं पहुंच सकते. हंस ले जितना चाहे हंस ले, तेरे पास बक बात कम है. यह अमेरिका में एक कहावत है, कैच मी इफ यू कैन. पकड़ सकते हो तो पकड़ लो. बाय बाय, सी यू. नो पृथ्वी नो, हम इस फोन के जरिए उन तक पहुंच सकते हैं. मैं पता लगा सकती हूँ ये फोन कहाँ से आया है. या पृथ्वी, यहाँ तो कोई भी नहीं है. हेलो
लकी या लकी, लगता है वो लोग अभी यहां थे। एक मिनट, ये तो नेहा का मंगलसूत्र है। या शिट, इट्स अ ट्रैप, बम लगा हुआ। चलो रन रन, जल्दी रन। लकी मैन, मैंने तो सोचा था कि सिर्फ घंटी बजेगी। बोल पोस्टल, जवाब देने के लिए आप जिंदा नहीं बचेंगे। बट जब तक मैं तुझे मार नहीं देता, मौत भी मुझे मार नहीं सकती, समझा? कभी कभी मुझे आपसे डर लगने लगता है मिस्टर पृथ्वी। डरना चाहिए तुझे, अपनी मौत से डरना चाहिए। आपको पता है मिस्टर पृथ्वी, एक राजा था जिसकी जान एक तोते में थी। तोता मर जाए तो राजा मर जाए, उसी तरह आपकी जान हमारे पास है। आप समझ रहे ना? हे नामर, हिम्मत है तो एक बार सामने आ जाए। ठीक है, ये भी कर लेते हैं। तो आज रात 9 बजे लुजियाना स्ट्रीट डाउनटाउन, एंड प्लीज डोंट बी लेट। मुझे लगता है ये उसकी कोई चाल है, वो यहाँ आने वाला नहीं। सामने तो नहीं आएगा, लेकिन आसपास जरूर होगा। ये लो, आ गया तुम्हारा ही मैन। बहुत प्यार करती हो उसे। अगर उसे जिंदा देखना चाहती हो तो हमारी बात मान लो, वरना हमारी उंगली का हल्का सा इशारा तुम्हारे बहादुर पति को कुत्ते की मौत मारेगा। शट अप। देखो, मैं अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। कोर्ट में गवाही दोगी ना? बोलो। नहीं? ओह गॉड, लकी लकी लकी, आर यू ओके? आर यू ओके? अच्छा, वो गोली बाजू को छूकर चली गई। It's okay. हरामजादे, you bastard! Hey! चुप के बाहर करता है? अब मर्द की औलाद है तो सामने आ, सामने आ। अगर उसको जिंदा देखना चाहती हो तो हाँ कह दो। Shit! निशाना थोड़ा गलत हो गया। उसको मारा, लड़की को लग गया। अब की ठीक से मारता। नहीं, नहीं, please, please, रुकिए आप। मैं गवाही देने के लिए तैयार हूँ। क्या? मैं गवाही देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज मेरे पृथ्वी को कुछ मत करना। मैं आपके पैर पड़ती हूँ। कल किसी भी हालत में रश्मि को हॉस्पिटल से निकालना पड़ेगा। लेकिन हॉस्पिटल में सिक्योरिटी बहुत है, वहाँ से रश्मि को बाहर निकालना नामुमकिन है। रश्मि को हॉस्पिटल से निकालना नामुमकिन है, लेकिन नेहा को हॉस्पिटल में डालना तो मुमकिन है। Patient, I have to take her for a test to the MRI room. Let me see your ID. Yes, sure. Okay. Thank you. Excuse me. Where have you been all this time? I went to the bathroom. Come on, let's go.
lady has to change. You can't come in for now, so please excuse us. Okay. Okay. Thank you. Madam, could you please come to the side? Right now, you may take her home. Thank you very much. Thanks. I'm really sorry. Meri wajah se. Oh, oh my God! What? You come here. You know, tum ghar jao, main abhi aaya, okay? I'll be back soon. Excuse me. Wo lady doctor kahan gayi? Ye wali nahi, wo lambi wali. Thanks. Thank you very much. Mala. Thank you.
मेरी आंखें खोलो नेहा, आंखें खोलो। इतना हालत हो गई तुम्हें नेहा, आंखें खोलो नेहा। देखो देखो उन्होंने क्या किया नेहा का। पृथ्वी अपने आप को संभालो प्लीज। अगर मेरी नेहा को कुछ हुआ ना, अगर मेरी नेहा को कुछ हुआ ना, कुछ नहीं होगा पृथ्वी, कुछ नहीं होगा। थोड़ी ही देर में इन्हें होश आ जाएगा। सुनो मैं आज ही तुम दोनों का इंडिया जाने का इंतजाम करती हूँ। नहीं मैं इंडिया नहीं जाऊंगा। ये कैसे बात कर रहे हो पृथ्वी, तुम्हारी बीवी तुम्हें मिल गई है। मिल गई इस हाल में? देखो देखो क्या हाल किया इन्होंने इस मासूम का। जान से मार दूंगा मैं उन्हें। I will kill those bastards. किसे मारोगे? तुम किसे मारोगे पृथ्वी? तुम तो ये भी नहीं जानते वो कौन है, कहाँ है। जान जाऊंगा, वो भी जान जाऊंगा। एक बार मेरी नेहा को होश आ जाए, दुनिया की कोई भी ताकत उसे बचा नहीं सकती। Whatever happened, happened. Yeah. Whatever happened, happened. Jo ho gaya, so ho gaya. 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 Bhul jao. Bhul jao. निमी, अगर तुम्हारे बजाय गलती किसी और ने की होती तो वो हरामजादा रश्मि को नहीं मेरी मौत के साथ ले गया है। वीके वो रश्मि को अपनी बीवी नेहा समझ के ले गया है और वो उसे और रश्मि उसे एसएलएस बताएगी तो उसे लेकर कोर्ट पहुंचेगा ना। और मुझे मालूम है वो हरामजादा पहुंचेगा जरूर। अरे फांसी हो सकती है मुझे, फांसी हो सकती है मुझे। जाओ पता करो, पता करो वो कहाँ है, पता करो वो कहाँ है। नेहा get away। हे नेहा, अरे तुम नेहा, मैं नेहा, don't touch me! नेहा, I am not नेहा, I am not नेहा, मैं नेहा नहीं हूँ, I am रश्मि। तुम कौन हो और क्या चाहते हो? नेहा मैं पृथ्वी, नेहा तुम मेरी बीवी। Don't touch me, just don't touch me, मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, just stay away from me। देखो क्या हुआ नेहा को? Please let me go, I am not your wife। हेलो, यहाँ कोई रश्मि नाम की लड़की नहीं है। रश्मि, मेरा नाम रश्मि है, it's my phone। हेलो, हेलो, मैं रश्मि बोल रही हूँ। Hello, darling. I love you. Oh my God. VK. हाँ तुम्हारा VK. लगता है तुम्हें हमारी भी उम्र लग गई। इस बार भी बच गई? मैं इसलिए बची हूँ ताकि तेरे खिलाफ गवाही देकर तेरे गले में फांसी का फंदा डलवा सकूँ। अरे कैसी लड़की हो? अपने होने वाले पति के गले में बाहों का हार डालने के बजाय फांसी का फंदा डलवा दोगी? वेरी बैड। एंड यू मिस्टर पृथ्वी, किसी की बातें चोरी से सुनना बहुत बुरी बात है। वेरी बैड मैनर्स। यू बास्टर्ड, अब समझ में आया इतनी बड़ी गेम खेली है तूने। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, हमारी बीवियों की शक्लें एक जैसी हैं, जो आपके लिए बदकिस्मती और हमारे लिए किस्मत बन गई है। जिसे तू किस्मत समझ रहा है वही तेरी बदकिस्मती है वीके। मैं तेरा प्लान पूरा नहीं होने दूंगा। मेरा प्लान तो पूरा हो चुका है मिस्टर पृथ्वी। आज कोर्ट की आखिरी तारीख है और आज मैं आजाद हो जाऊंगा।
आज तेरी जिंदगी की भी आखिरी तारीख है, जिंदा नहीं बचेगा तू। अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए मिस्टर पृथ्वी, मौत आपके दरवाजे पे खड़ी है। Oh my God, हमें फोन कॉर्ड पहुंचना चाहिए। Come on, fast! Let's go! आप लोग बैठ सकते हैं। टेक्सास स्टेट की अदालत में यह मुकदमा रश्मि मल्होत्रा का विनोद कुमार के खिलाफ है। मैडम बाली, ब्रिंग इन द ज्यूरी। द स्टेट मे कॉल हिज फर्स्ट विटनेस। द स्टेट विल कॉल रश्मि मल्होत्रा। योर ऑनर, ही इज नॉट गिल्टी। रश्मि, तुम क्या कह रही हो? हैं? होश में तो हो? ये सच है। क्या हो गया? तुम पागल हो गई हो? डर रही हो उसे? क्यों घबराती हो? वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता रश्मि, कुछ नहीं। भाई साहब और भाभी का कातिल है। कहती क्यों नहीं तुम? हाँ बोलो रश्मि, बोलो। Your Honor, this man has threatened her. That's why she's not telling the truth. I object, Your Honor. This man is leading the witness. No, Your Honor. Just try to get the facts out of the evidence. I sustain your objection. Mr. Malhotra, आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल कीजिए जिसे यह अदालत और ज्यूरी समझ सके। गाड़ी चला लो, मैं अभी आया। चलो 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 चलो, क्विक।
चलते हैं। क्विक मूव, चलो मूव द कार। और मुझे अपने पुत्र का नाम रखना पड़ेगा गड्डी सिंह। छड़ना नहीं, मैं अपनी डिलीवरी को ब्रेक लगाऊंगी, लेकिन उन दोनों को छड़ना नहीं। ब्रेक? जो बोले सोनिया। हमें जल्दी कोर्ट पहुंचना है। वो अनु प्रॉब्लम है, कोर्ट छोड़ दे। हाँ जी, हम और ब्रेक लगाएंगे। दोनों को प्रॉब्लम है, इन्हें प्लीज छोड़ दीजिए। ओ आई लव यू, आई लव यू। ओ आ जाओ, आ जाओ।
चलो। मैडम जेनिफर, has the jury reached the verdict on this case? Yes, Your Honor, we have. केस नंबर 17555, यह अदालत मुलजिम विनोद कुमार को इस केस से बाइज्जत बरी। Your Honor, ये लड़की रश्मि है, वो रश्मि नहीं है। पृथ्वी, Yes, Your Honor, she is Rashmi and this is my wife Neha. मैंने तुझे पहले कहा था हरामजादे, तूने आदमी का लत चुन लिया, तेरा खेल अब खत्म हो चुका। सारे सबूतों और गवाहों की बिना पर यह अदालत मुलजिम विनोद कुमार को मिस्टर एंड मिसेस मल्होत्रा के कत्ल और रश्मि मल्होत्रा पर कातिलाना हमला करने के जुर्म में सजाए मौत का हुक्म देती है और मुलजिम को हैरिस काउंटी पुलिस डिपार्टमेंट के हवाले करती है। कोर्ट इज एडजर्न। पृथ्वी, तुमने मेरे भाई और भाभी के कातिल को सजा दिलवाने में बहुत मदद की। थैंक यू। Thank you very much. Neha, huh? I'm really sorry for all this. जो होना था, सो हो गया। मुझे मेरा पति मिल गया, बस। हथियार मेरे हाथ से जरूर गिर गया मिस्टर पृथ्वी, लेकिन जंग अभी खत्म नहीं हुई। शायद आपको पता नहीं, मुझे जेल में रहने की आदत नहीं है। मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा, और उसके बाद। उसके बाद क्या? हाँ? बहुत बोल चुका तू, बहुत बोल चुका, अब मत बोल, मत बोल, मत बोल, अंग्रेज की आजाद औलाद, उसके बाद क्यों, उसके बाद, दादा, come on shoot you bastard, come on shoot, चला गोले, चलाओ, चलाओ, चलाओ ओके पृथ्वी, विश यू ऑल द बेस्ट, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू सर। और आप लोगों को मेरी वजह से इतनी तकलीफ हुई, आई एम सॉरी फॉर दैट। अरे नॉट एट ऑल, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। दबू आ गया। बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुंचा हूँ, पूरी कहानी पता चली। आप ठीक तो है ना? नमस्ते भाभी। अबे डरा था क्यों? अबे दो दो यानी के जुड़वा। अरे बॉस इधर सुड़वा है, सुड़वा साथ साथ आओ मेरे भैया। इज द बेलबॉय इधर है, इंडिया लिमिटेड, कांग्रेचुलेशंस, तुम्हारा वाइफ तुमको मिल गया। मोटा हट्टा कट्टा बेटा होया मेरा, ओ मिस्टर पृथ्वी, ओ मैंने अपने पुत्र का नाम रखा ओ पृथ्वी सिंह। ओ बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले, मेरी टांग भी सेक्सी, मेरे बाल भी सेक्सी, दे कॉल मी सेक्स बॉम्ब, यू नो दैट सेक्स बॉम्ब, आई एम सेक्सी नंबर 1, कराटे नंबर 1, से नंबर 1, कराटे नंबर 1,
चिकन करी घड़ी तुझको तेरे रब ने बनाया होगा, जिस घड़ी तुझको तेरे रब ने बनाया होगा, तेरा सिंगार फरिश्तों से कराया होगा, जिस घड़ी तुझको घड़ी तुझको तेरे